السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته। आज हम आपको बताएंगे सूरह कौसर का बहुत ही पावरफुल वजीफा। आपने ये वजीफा सिर्फ तीन दिन करना है। सिर्फ तीन दिनों के अंदर आपकी जो भी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह तीन दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपका मकसद कोई भी हो, आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, और आप जिस भी मकसद के लिए इस वजीफे को पढ़ोगे, आपका वो मकसद इंशाअल्लाह ताला तीन दिनों के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। आपने ये वजीफा जुमेरात, जुमा और हफ्ते के हफ्ता तीन दिन ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह ये वजीफा करने से आपकी हर जायज हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप चाहें ये वजीफा अपनी कामयाबी के लिए करें कि आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, आप इस वजीफे को करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। आप उसके लिए ये वजीफा कर सकते हैं। आपके दुश्मन हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए आप ये वजीफा कर सकते हैं। बीवी अपने शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए ये वजीफा कर सकती है, तो इस अमल के लिए ये भी वजीफा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, कोई भी मकसद हो, आप इस वजीफे के जरिए अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। आपने सिर्फ तीन दिन इस वजीफे को करना है और इंशाअल्लाह तीन दिन के अंदर अंदर आपका हर मकसद पूरा हो जाएगा। इस वजीफे को शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ लाजिम पढ़ें। आपने वजीफा किस तरह करना है? आपने सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है। ये सूरत 30वें पारे में है। आपने जुमरात को ये वजीफा करना है और हफ्ते को ये वजीफा खत्म करना है। तीन दिन आपने ये वजीफा करना है। जुमरात के दिन आपने नमाज फजर के बाद अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद आपने 129 दफा सूरह कौसर पढ़ लें। सुबह नमाज फजर पढ़कर इस वजीफे को करें, फिर नमाज आसर पढ़कर इस वजीफे को करें। पहले अव्वल और आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, फिर दरमियान में 129 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें। और इसी तरह आपने नमाज इशा के बाद इसी तरह रूटीन से आप ये वजीफा करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। वजीफा करते वक्त पूरा ध्यान आपका वजीफे पर होना चाहिए, दिल में कोई भी शक नहीं आना चाहिए, पूरा ध्यान वजीफे पर रखें। आपने ये वजीफा करना है। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे को करने के बाद आपकी अल्लाह से मांगी हर दुआ कबूल होगी और सदका जारिया समझकर इस वजीफे को लाजमी आगे शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु।